हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने पहले थोड़ा सा ये बॉर्डर टाइप बना लिया है, तो आप जो बॉर्डर बनाएं तो वो बनाकर उसके बाद फिर इस डिज़ाइन को शुरू कर लें। तो ये डिज़ाइन पहले सीधी सिलाई में हम बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई में हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो एक रो तो वैसे हम बना लेंगे, उसके बाद उल्टी साइड से हमारा डिज़ाइन बनता रहेगा। जितनी बार स्वेटर हम बनाएंगे तो उल्टी रो में ही हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो पहली रो हम बना लेंगे। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के, जेंट्स, लेडीज़ की स्वेटर, किसी में भी आप बना सकते हैं। तो पहला फंदा हम उठा लेंगे और दूसरा फंदा हम ये उल्टा, ये तीन हम शुरू में उल्टा बना लेंगे। एक फंदा तो हमने एस स्टिच के लिए उठा लिया है, जब हम स्वेटर को जोड़ेंगे तो ये हमारा, जब दोनों पार्ट जुड़ेंगे तो ये फंदा उसमें आ जाएगा, तो तीन हमारे ये फंदे रह जाएंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करके दो हमने सीधे बना लेने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे बना लेने हैं। आपने जितना भी बॉर्डर बनाना है उसके बाद ये पहली सिलाई ये निकाल लेनी है, फिर उसके उल्टी साइड में हमारा डिजाइन बनेगा। आप उल्टी साइड में पहले फंदे बढ़ा लें, उसके बाद ये सिलाई निकाल लें, तो दो हमारे सीधे बनेंगे। फिर तीन उल्टे। तो ये पूरी रो निकाल के मैं आपको दूसरी रो बताती हूँ। ये पूरी रो हमने ऐसे ही निकालनी है, तीन उल्टे दो सीधे, तीन उल्टे दो सीधे। तो ये पूरी रो निकाल कर फिर मैं आपको दूसरी उल्टी साइड में दूसरी सिलाई पे डिजाइन बनाना बताती हूँ। तो हमारा डिजाइन अब शुरू होगा। तो हमारी पहली रो है, पहली रो तो हमने ऐसे बना ली थी, अब डिजाइन की पहली रो से शुरू होगी हमारी। तो ये पहली रो हम बना रहे हैं, डिजाइन हमारा उल्टी साइड में बनेगा, आप ये ध्यान रखें। तो पहला फंदा मैं ऐसे ही उठा लेंगे, जो फंदे हमने सीधी साइड में उल्टे बनाए हैं वो सीधे बन जाएंगे और जो सीधे बनाए हैं वो उल्टे बन जाएंगे उल्टी साइड में। अब हम तीन हमने उल्टे बनाए थे, अब तीन सीधे बन जाएंगे, दो और ये तीन। ये उल्टी साइड सीधी साइड में उल्टे थे, अब सीधी साइड में ये तीन सीधे बन गए। अब धागा हम अपनी तरफ कर लेंगे, दो हमारे सीधी साइड में सीधे थे, अब यहाँ पे ये उल्टे बन गए। ये दिख रहा आपको, ये उल्टे बने हुए हैं और ये तीन सीधे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दो को पहले ऐसे एक फंदा बना लेंगे। इस पे हमने दो पे पांच फंदे बनाने हैं। अगर आप चाहे तो धागे को ऐसे करके ऐसे बुन कर ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो ऐसे राउंड में भी फंदा बढ़ा सकते हैं। तो मैं ऐसे बढ़ाऊँगी इसे फंदे को। ये हमारे कितने हो गए, तीन फंदे, एक दो तीन। फिर उसके बाद धागे को फिर दूसरी तरफ कर देंगे, फिर एक फंदा और बनाएंगे, तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। थोड़े हमने ढीले ही रखने हैं, एक दो तीन, ये चार, ये पांच, ये पांच फंदे हो गए। धागा हम दूसरी तरफ कर लेंगे, अब तीन सीधे बना लेंगे, एक दो और ये तीन। फिर धागा अपनी तरफ करके फिर दो सीधे फंदे हैं, उनको हम ऐसे बना लेंगे, पहले एक फंदा बना लिया, धागा दूसरे करके फिर दो फंदे और एक धागा हमने इधर किया था, तो ये तीन फंदे हो गए हमारे। फिर धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा बना लेंगे, तो ऐसे करके हमारे पांच फंदे हो गए, एक दो तीन और ये चार पांच। धागा दूसरे करके फिर तीन सीधे बना लेंगे, दो ये तीन। फिर धागा अपनी तरफ करके, दो सीधे सीधे थे सीधी साइड में, तो अब उल्टी साइड में उल्टे बनाकर हमें पांच फंदे बना लेने हैं। तीन फंदे हमारे ये बन गए, एक दो तीन। अब धागा फिर दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे और बना लेंगे, ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी, एक दो
तीन, ये चार और पांच, पांच फंदे बन गए हैं। तो ये हमारा डिजाइन आप दिखने लग गया है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई आ गई है। पहली सिलाई हमने तीन उल्टे दो सीधे करके बनाई थी, और दूसरी सिलाई पे हमने डिजाइन बनाया था, और तीसरी सिलाई पे फिर डिजाइन बनाएंगे। तो ये तीसरी सिलाई है हमारी। तो पहला फंदा ऐसे उठा लेंगे, तीन फंदे जो हमारे उल्टे हैं वो बना लेंगे धागा दूसरा करके। जो हमने ये दो सीधे थे हमारे, उसके पांच फंदे हमने बनाए हैं। अब पहले के जो ये दो फंदे हैं, एक और ये दो, इन दोनों को हम बैक साइड से ऐसे सीधा बुन लेंगे और इसे उतार देंगे। अब हमारे बचे तीन फंदे, तीन फंदों को भी हम ऐसे बैक टुक से ऐसे सीधा बुन लेंगे और उसे भी छोड़ देंगे तीन फंदों को। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे फंदे बना लेंगे। अब दोबारा हम वैसे ही करेंगे, दो फंदों को, एक और ये दो, इन दो फंदों को उल्टी साइड से सीधा बुन लेंगे और ये तीन फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। ऐसे बना लिया हमने और फिर अपनी तरफ धागा कर लेंगे, तीन उल्टे फंदे बना लेंगे। तो ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी। फिर पहले के दो फंदे हैं, एक और ये दो, इन दो फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे बैक साइड से, फिर अब तीन फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे बना लेंगे। फिर इसी तरह हमने जैसे ये पहले बनाया है ऐसे फिर बना लेंगे, एक और ये दो, इन दो को बैक साइड से करके सीधा बुन लेंगे। फिर इन दोनों को छोड़ दिया। अब ये तीन फंदे बचे हैं, एक, ये दो और ये तीन, तीन फंदों को ऐसे ही बैक साइड से सीधा बुन लेंगे और इन तीनों को छोड़ देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे बना लेंगे, ये उल्टे फंदे हो गए तीन। फिर धागा दूसरा करके और आगे डिजाइन में आपको बना के फिर बताती हूँ। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बना है। और फिर हम शिप दोबारा करेंगे हमारी, जैसे हमने पहले ये पहली सिलाई हमारी डिजाइन पे उल्टी साइड डिजाइन बनाया था, वैसे ही दोबारा हमने बनाना है। पहला फंदा उठा लेंगे, उसके बाद सॉरी तीन सीधे बना लेंगे। पहला फंदा उठा लिया और उल्टी साइड में जो हमें ये सीधे दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधे दिख रहे हैं ये, तो सीधे तीन फंदे हमने बनाने हैं। और हमारी सीधी साइड में ये तीन उल्टे हैं, एक दो तीन, ये उल्टे हैं। अब सीधी जो उल्टी साइड है जो हमारी, देखिए उल्टे दिख रहे हैं हमें, तो हमने ये सीधे दिख रहे हैं तो हम सीधे बनाएंगे, एक दो ये तीन, तीन हमारे सीधे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। पहले हमारे दो थे फंदे, फिर हमने पांच बना लिए, अब वापस से हमारे दो फंदे बन गए हैं। तब फिर वापस हमने वैसे ही करना है, इन दो फंदों को पांच फंदे बनाने हमने, एक, धागा दूसरी तरफ कर लिया, थोड़ा सा ढीला ही रखें आप। ये हो गए तीन फंदे, एक दो ये तीन, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे पांच फंदे और इसे अब छोड़ देंगे इन दोनों फंदों को। हमारे पांच फंदे हो गए, एक दो तीन चार, ये पांच, ये पांच फंदे हो गए धागा दूसरी तरफ करके। फिर ये तीन सीधे फंदे हैं उल्टी साइड में, तो ये तीन सीधे फंदे हम बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को पाँच बना लेंगे। इसी तरह हमारा
पूरा डिजाइन, जब तक हम अपनी स्वेटर बना रहे हैं तो पूरी रो में हमारा यही डिजाइन बनेगा। फिर धागा दूसरा करके ये पांच फंदे बन गए हमारे। तो ये पूरी लाइन बनाकर, ये सिलाई में बना के फिर आपको बताती हूँ आगे। तो हमने ये उल्टी सिलाई में बना लिया है, अब हमारी छोटी सिलाई आ गई है। तो ये जैसे हमने पहले पांच के दो फंदे बनाए थे, अब ऐसे ही बनाना है। पहला फंदा हमने ऐसे उठा लिया, तीन हम सीधे उल्टे बुन लेंगे धागा दूसरी तरफ करके। अब हमने पहले दो के हमने पांच फंदे बनाए, अब पांच के दो फंदे हमने बनाने। शुरू के दो फंदे हैं जो हमारे इसे बैक साइड से ऐसे सीधा बुन लेंगे, दो को उतार लेंगे। अब तीन फंदे रह गए हमारे, इन तीन को भी ऐसे ही बुन लेंगे धागा अपनी तरफ करके, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई भी हमारी ऐसे ही बनेगी। दो फंदों को उतार लिया, अब तीन फंदे रह गए हैं, अब तीन को भी बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। तो तीनों को भी उतार लिया, अब धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे बना लेंगे। तो ये रो पूरी पूरी ऐसे ही बनेगी, ये डिजाइन हमारा ऐसे बनता जाएगा। तो मैं आपको दो तीन उंगली के बराबर और बना के फिर बताती हूँ। तो हमारा ये डिजाइन बन गया है, ऐसे बनेगा ये डिजाइन, और बैक साइड से ऐसे बनेगा, और आगे से ये डिजाइन ऐसे बनेगा। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल बटन उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू।